हाय गाइस, सुहास पेट होम इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ लातूर के हॉर्स रेस में। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ऑर्गेनाइज़र ने अरेंजमेंट की है, तो ज़बरदस्त हॉर्स को दौड़ने के लिए वो अलग सा ही ट्रैक बनाया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके का सेटअप है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर घोड़े भी आए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो ऑर्गेनाइज़र है उनका इंटरव्यू लेंगे। हॉर्स की लोकेशन पे जो भी अच्छे खिलाड़ी मुझे मिले हैं तो उनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन आज जो यहाँ पे हॉर्स घोड़ों की रेस होने वाली है और ये यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अमजद शेख। हमारे स्टार्ट फार्म का नाम है अली स्टार्ट फार्म। लातूर अली स्टार्ट फार्म लातूर, ठीक है। जिल्ह्या मध्ये पहिल्यांदा। तो यहाँ पे कौन कौन से घोड़े की रेस होने वाली है आज? एक्चुअल तो ये लातूर में फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम घोड़े की रेस हो रही है और हमने इसे ऑर्गेनाइज किया है। लातूर में फर्स्ट टाइम अली स्टार्ट फार्म की ओर से रेवाल चाल की सिंगल फुट जिसे कहा जाता है उसकी रेस हो रही है। तो ऑर्गेनाइजर में कौन कौन है? ओनली आलिस प्लेटफॉर्म। ओनली आलिस प्लेटफॉर्म, ओके ओके। आपका नाम बोलिए सर। मैं पटानाल साहब। पटानाल साहब, आप कहाँ से? लातूर से। लातूर से। और आप सर? इकबाल तांबुली। इकबाल तांबुली, आप कहाँ से? लातूर से। लातूर से। और सर आप? शेख अजहर। शेख लातूर से। लातूर से ही। आप सब घोड़े के शौकीन हो? बिल्कुल, पूरे बिक्री मंडल है आपका, बिक्री मंडल के पूरी ज्ञान है हम। ऐसा है क्या? चलेगा चलेगा। तो बहुत खर्चा आएगा रेस ऑर्गेनाइज करने के लिए? सर, खर्चे का सोचते तो रेस ही नहीं होती। हाँ, सही बात है। शौक बढ़ना चाहिए, अश्व के ऊपर प्रेम बढ़ना चाहिए, इसके पीछे का उद्देश्य है। सही है, सही है, सही है। अश्व एक हमारा बहुत पुराना एक साथी है, मानवीय जीवन में हमारा बहुत साथ दिया है इसने। इसको प्रमोट करने के लिए और इसको इसका शौक लोगों में बढ़ाने के लिए ही लातूर में हमने ये फर्स्ट टाइम जो है तो रेस का आयोजन किया है। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर, आपको रेस का घोड़ों का कैसा शौक लगा, एक बार हमारे व्यूअर्स को बता देगा? सर, घोड़ों का शौक तो हमको पहले से ही था, बचपन से ही। बचपन से ही, लेकिन हमने कभी लेने की सोची नहीं थी। हाँ। मेरा एक लड़का है। हाँ। हम एक बार मालेगांव की यात्रा गए थे घूमने के लिए, बस उसके जिद के ऊपर हमने फर्स्ट घोड़ा लिया था, मारवाड़ का। हमको चाल वाल तब पता नहीं थी। धीरे धीरे जैसे घोड़ों से प्रेम होते गया और घोड़ों की मालूमात होती गई तो ये यहाँ तक पहुँचे, शौक बढ़ता चला गया। तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल के घोड़े? मेरे पास दोनों सिंधी नस्ल के घोड़े। हाँ हाँ, ऐसा है क्या? चलेगा चलेगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे शौक। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने रेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का रिस्पांस भी आया है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई है। जी जी, जिधर देखे उधर पब्लिक ही पब्लिक और घोड़े भी बहुत ज़्यादा। पूरे मराठवाड़े से घोड़े भी आए हैं। हाँ हाँ, और पब्लिक भी आई है पार्टिसिपेट करने के लिए। परभनी, परली, बेलकुंद, अंबाजोगाई, लातूर, उस्मानाबाद, हर तरीके से, हर तरफ से घोड़े जो है तो यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच चुके हैं और सब लोग आ गए। अभी तक कितनी एंट्री हुई? अभी तक तकरीबन 20 घोड़े की एंट्री हो चुकी है। और भी बढ़ने के चांसेस है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी और बढ़ने के चांसेस। ठीक है, चलेगा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ आपका। सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9028। हाँ हाँ अली स्टार्ट फार्म, मावंटी रोड, लातूर। ठीक है, थैंक यू सर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लातूर के ही है ना सब घोड़े शौकीन। देख, लातूर परली बीड के यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स शौकीन आए हैं और यहाँ पे इनके घोड़े भी रेस में पार्टिसिपेट किए हैं। तो बहुत सारे मेंबर है, अभी इनका हम इंट्रो लेते हैं। सर, आपका नाम बोलो बारी बारी से। मीराज पटेल। कहाँ से हो? धर्मापुर से हो। आपके पास घोड़े है? ना, दो घोड़े ना, एक नुकरा है और एक अबलग है। मैं साहेबराव चव्हाण, उप सरपंच, माजी सरपंच कौटळी, तालुका परली, जिला बीड, वहाँ से आया हूँ। मेरे पास अभी तो घोड़ा नहीं है, लेकिन मेरे इसके पहले मेरे पास घोड़े थे। ये रेस का जो शौक है, वो रेस का शौक ही इस महाराष्ट्र के अंदर पहले शुरू से मैंने चालू किया हूँ।
ये जो घोड़े का शौक है ये मर्दानगी शौक है, सही है। ये मर्दानगी शौक जो मर्द कर सकता है शौक दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो ये हमारे भाई साहब की क्लिप लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जियाउर रहमान बबलू मुल्ला, रहने वाला परली वैजनाथ बीड़ जिला। मेरे पास एक अबला घोड़ी है जो मेरे यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करेगी अभी मेरी घोड़ी यहाँ पर। और रहा सवाल ये लातूर का, ये जो हमारे एडवोकेट वकील साहब है अफजल भाई साहब जो है ये हमारे दोस्त है, उन्होंने यहाँ पे रेस का आयोजन रखा है तो हमें उन्होंने बुलाया था, उस वजह से हम यहाँ पर आए और हमारी घोड़ी लेकर आए हम। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने रेस का नियोजन किया है तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने घोड़े की रेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत अहम कदम उठाया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माउली बीड़गर, राहणार दाऊदपूर तालुका परळी जिल्हा बीड। माझ्याकडं दोन घोडे आहेत, मांदी, एक पेट्रोलची बच्चे आहे 22 महिन्याची, तिची सवारी आता टाकली आहे। पेट्रोल हा घोडा महाराष्ट्रात नंबर 1 घोडा होता, त्याची ती बच्ची आहे आणि ती आता पुढच्या वर्षी रेसमध्ये उतरेल। मी बबलू पवार, माझ्याकडं दोन घोडे आहेत, एक पांढरा एक बांडा, एक तत्तापूरचा आहे मी, तालुका रेणापूर जिल्हा लातूर। मी विष्णू महाराज खुळी, तालुका औसा जिल्हा लातूर। माझ्याकडं दोन घोडे आहेत, एक बाहुबली आणि एक पिंटू। तरी मी आज या स्पर्धेमध्ये आणलेला आहे, लातूरला ही पहिली स्पर्धा होते, तरी मराठवाड्यातून विविध ठिकाणातून ज्यांना घोड्याचा छंद आहे, जे घोड्याचे नादिक आहेत, असे लोक या मराठवाड्याच्या बाहेरून या लातूरमध्ये आलेले आहेत, त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि थांबतो। सुभाष रामकिशन सुरोजी, राहणार वंदन जिल्हा परभणी। माझ्याकडे एक नुकरा घोडा पांढरा आहे। ही पांगरीचे सरपंच आहेत, ह्यांच्याकडं एक नंबर चालणारा महाराष्ट्रातला पेट्रोल घोडा, त्यानं महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन रेस खेळून आलेला घोडा, ह्यांच्याकडे एक नंबर घोडा राहिलेला आहे ह्यांच्याकडं। आत्ता ही दुसरी रेस चालू आहे, तसं आत्ता म्हणजे पहिली रेस ह्यांनी सुरुवात केलेली आहे, ह्यांच्या आधी कुणी सुरुवात केलेली नाही, ह्यांनीच पहिल्या सुरुवात। आणि ह्यांच्याकडं नॅशनल लेवलचा घोडा होता, पेट्रोल नाव महाराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या बाहेर चालणारा घोडा होता। तर मला घोड्याचा शौक अशामुळे लागला की माझा एक मित्र आहे निलेश मास्तर म्हणून हा अमळनेरचा व्यक्ती आहे आणि त्याच्याकडे यापूर्वी आमच्या अगोदर त्याच्याकडे एक टायगर नावाचा घोडा होता, त्या घोड्यापासून आम्हाला पण ते शौक लागला आणि फारसे लांब जाऊन शिनी गुजरात असेल राजस्थान असेल इथपर्यंत जाऊन शिनी रेस पाहायला जायचं आणि रेस बघून शिनी आमच्या मनाला सुद्धा असा उत्साह आला की बाबा आपण बी महाराष्ट्रामध्ये रेस भरवावा आणि महाराष्ट्रातल्या माणसाच्या मनामध्ये उत्साह पैदा करावा म्हणून शिनी आम्ही मी पहिल्या प्रथम कवटळी या गोपीनाथगडच्या बाजूला त्या जागेवर मी रेस भरविली आणि माझ्याकडं रेसमध्ये फारसे गुजरात असेल तुमचं राजस्थान असेल महाराष्ट्र असेल पश्चिम महाराष्ट्र असेल ह्या सगळ्या जागेवरून घोडा येत होता आणि ते रेस इतक्या उत्साहाने भरविली किंवा लोकांना असं की मनामध्ये असं वाटायला लागलं की बाबा आपण पण रेस भरवावा, त्या माध्यमातून ही रेसचं प्रोग्राम। घोडा म्हणजे असं की बघितला आणि यापून बी घेतला तरी घोडा आपण सांभाळू शकतो असं काही नाही आहे, घोड्याला सांभाळण्यासाठी आणि त्याची देखभाल करण्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागते आणि त्या पद्धतीनं घोडा सांभाळावा लागतो आणि घोडा हा कोणीही सांभाळू शकत नाही, त्याला हा घोडा नर माणसानंच सांभाळला जावा आणि त्याची देखभाल केल्या जावी आणि त्या माध्यमातून रेसमध्ये उतरणं म्हणजे ते सुद्धा की कुणाचंही काम नाही आहे, रेस जिंकणे हारणे हे तर कुणाला तरी भोगावंच लागेल पण रेसमध्ये उतरणं म्हणजे मर्दाचं काम आहे आणि एवढं बोलून मी माझे दोन शब्द धन्यवाद।